सो हे गाइस, मैं हूँ संकल्प मागड़न। वेलकम टू माय चैनल मागड़े ड्राइंग्स। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ A3 साइज़ का पेपर, और पेपर के ऊपर आपको जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे उन्हें कहते हैं ग्रिड्स। तो इन्हें ग्रिड्स को कैसे बनाना है तो मैं अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से डॉट्स बनाने हैं, और उन डॉट्स को चारों तरफ से मैच कर लेना है तो ग्रिड्स बन जाएंगे। तो मैं ग्रिड इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए ड्राॅइंग। सो मैं फैंटेसी ड्राइंग बना रहा हूँ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स कंटिन्यू द ड्राॅइंग। सो मैंने मैकेनिकल पेंसिल या फिर लीड पेंसिल भी आप उसे बोल सकते हो, तो उसके मदद से मैंने आउटलाइन बना लिया है बेसिक से। सो रफली आउटलाइन बनानी है। सो कलर वाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 शेड्स डोम ऑयल पेस्टल। सो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ लाइट येलो कलर। सो इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर। तो अभी मैं कलर्स को फिंगर से मिक्स किया हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लेंडिंग। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रूसियन ग्रीन कलर को। सो अगेन अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर। नाउ आई एम यूजिंग कोबाल्ट ब्लू कलर। और कलरिंग करने के बाद हम कलर्स को कर लेंगे ब्लेंड। सो फिंगर से मदद से ही ब्लेंडिंग करनी है। सो अगेन मैं यूज कर रहा हूँ कोबाल्ट ब्लू कलर का। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रूसियन ग्रीन कलर का अगेन। सो लीव्स को बनाने के लिए हमें यूज़ करना है प्रूसियन ब्लू कलर का। सो हल्का सा ट्विस्ट करना है ऑयल पेस्टल को, ताकि लीव्स का स्ट्रक्चर बन जाए। तो हियर अगेन आई एम यूजिंग प्रूसियन ब्लू कलर फॉर डिटेलिंग ऑफ द ट्री। सो मैंने हाईलाइटेड एरियाज जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, सन की रेज आ रही है, तो मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया है, कलरिंग नहीं किया है डार्कर वैल्यू से। सो उसे वैसे ही छोड़ देना। अभी मैं यूज करने वाला हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू का। सो ये आएगा अल्ट्रा मरीन ब्लू। सो अगेन लीव्स को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर का। सो सेम प्रोसेस, हल्का सा ऑयल पेस्टल को ट्विस्ट करना है।
लीव्स बनाते वक्त ध्यान रखना कि ऑयल पेस्ट को ट्विस्ट करना है, तो मैंने यूज़ किया अभी येलो ग्रे कलर का, और देन अगेन प्रूशियन ब्लू कलर। सो अभी हमें सनरेज बनानी है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट येलो अगेन, और हाथों से ब्लेंड कर लेना है। सो अभी हमें 12 सिंगे को बनाना है, उसे मूस भी कहते हैं। सो मैं मूस वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ कोबाल्ट ब्लू कलर का। सो जहाँ पर भी मूस है वहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ देना है, और जहाँ पर भी नहीं है बाकी के सराउंडिंग एरिया है उसके, तो उसे हमें कलर से भर देना है। सो मैंने अभी यूज़ किया डार्क ब्राउन कलर का, एंड देन प्रूशियन ग्रीन, देन प्रूशियन ब्लू, देन ग्रे येलो, और फिंगर से हम इसे कर लेंगे ब्लेंड। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वायलेट कलर का, देन उसके ऊपर से एक सेकेंड लेयर आएगी वो होगी डार्क वायलेट कलर के। सो अभी कोबाल्ट ब्लू एंड थोड़ी डिटेलिंग ऑफ द फेस। देन अभी मैं यूज करने वाला हूँ ब्लैक कलर का, को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और इसी के लिए मैं दे रहा हूँ बोनस टिप। सो बोनस टिप ये है कि हम जब ऑयल पेस्टल को हीट करते हैं तो हम मल्टीपल लेयर्स आसानी से दे पाते हैं, जो नॉर्मली अनहीटेड ऑयल पेस्टल से नहीं हो जाता। तो ऑयल पेस्टल को होता क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हम आसानी से लेयर बना सकते हैं। सो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने येलो ग्रीन कलर की मदद से कितने आसानी से हल्का सा ट्विस्ट करके हाइलाइटेड ग्रास को डिपिक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोरोसेंट येलो कलर का। सो फैंटेसी ड्राइंग है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करने का ट्राई करूँगा। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोरोसेंट पिंक कलर का, सो इसे भी हल्का सा ट्विस्ट करना है। सो मैं कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, सो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करना है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि फैंटेसी ड्राइंग पर लेयर्स बनाने, तो इसके लिए मैंने ऑयल पेस्टल को हीट किया और स्पार्कल्स बनाए। तो अभी मैं स्मोक इफेक्ट ला रहा हूँ, इसलिए ऑयल पेस्टल को फिर से हीट किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मैं मिलता हूँ अमेजिंग वीडियो के साथ, तो बाय बाय।